Galitos presents Osamo Speaks. Hello friends and fans, this is Osamo speaking. सबसे पहले तो बच्चा पार्टी अपनी बच्चा पिट्ठी लेके यहाँ से कल्टी मारो. ये वीडियो महज बालिग लोगों के लिए है, यहाँ पे बच्चों का कोई काम नहीं है. और एक चीज हमेशा याद रखियो कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते. इस वीडियो में हमारे एडिटर राजा जी ने सख्त किस्म का एडल्ट कंटेंट डाला हुआ है, सख्त खून खराबा डाला हुआ है, इसलिए बच्चा पार्टी का यहाँ पे कोई काम नहीं है. भागो यहाँ से. आओ दिखाऊं तुम्हें एक ऐसा टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स जिसकी कास्ट में पूरे स्टार परिवार से ज्यादा लोग मौजूद है. म्यूजिक तो बहुरामी है यार. गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में हर चीज, हर शख्स को एक खिताब और लकब मिला हुआ, मतलब के टाइटल के अलावा टट्टी भी गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती. हर एक चीज का पूरा पूरा नाम है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा जुमला है मादर चितर. The hand of the king. Light of the seventh. Brienne of Tarth. Lord of Bones. Lord of Light. Master of Coin. Mother of Dragons. Son of Dolph. Son of Fire. Jor of Bains. Chitter of Mother. Pitti of Baboon. Dui of Daddu. Tatti of Tipu. बर्गरों की जबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो गेम ऑफ थ्रोन्स इज ऑल अबाउट पावर, मनी, पॉलिटिक्स एंड राजा जी. जी सामा भाई. यार राजा जी आपको क्या हवस की बीमारी, हवस ही रोगी है, चलो उसको हटाओ बस बहुत है. अच्छा ये कहानी अनिल कपूर के छाती पे आए हुए बालों से ज्यादा उलझी हुई है दोस्तों. एक तो मुझे ये बताओ कि इतने अनकंफर्टेबल आयरन थ्रोन पे बैठने के लिए पूरी दुनिया के बादशाह क्यों पागल है. देखो इसे हर जगह से चाकू लगे हुए हैं, बंदा बैठे तो पिट्ठी खूनो खून हो जाए यार. हर बंदा तख्तो ताज पे कुत्तों की तरह पीछे लगा हुआ है और असल मसले को सबने अंगूठे पे रख के इग्नोर किया हुआ है. क्यों लड़ रहे हो आपस में यार, असल मसला है व्हाइट वॉकर्स, आइस ज़ॉम्बीज, बर्फानी भूत, भैंस, चोर. लेकिन एक ही अकलमंद बंदा है जॉन सीना. टट्टी यार, जॉन स्नो, जिसको सारे कहते हैं चल बे चूथड़ चंगड़ चपड़ गंजू, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है. You know nothing, जॉन स्नो. कसम पैदा करने वाले की एक यही शख्स है जो पिट्ठी से नहीं अपने मगज से सोचता है और जिसका मानना है कि सारे हाउसेस मिलके हमें व्हाइट वॉकर से लड़ना चाहिए, वगरना तो विंटर इज कमिंग और फटके चार हो जाएगी और ये बर्फानी भूत सारे मिलके हमारे मुल्क की मदर सिस्टर टुगेदर यानी कि मुल्क की माँ बहन एक कर देंगे. We can never hope to defeat them alone. अंकल कायद की फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन वाली बात पे जॉन स्नो हमसे ज्यादा अमल करता है यार. राजा जी इसको गीली चुम्मी करो यार, क्या खूबसूरत आदमी है. बेचारे को एवं फजूल में नाजायज औलाद कहते रहते हैं क्योंकि इस बंदे ने बर्फानी भूतों का सामना किया होता है. इसलिए ये बंदा कहता रहता है कि तुम क्या जानो उस डर को, जब बर्फानी भूत सामने आता है तो सर्दी में भी खौफ के मारे टट्टी पतले पांचे से रास्ता खुद निकाल के आती है. None of you have seen the army of the dead. None of you. खैर आज तक मैं खुद को फ्रेंड जोन का बेताज बादशाह समझता था, लेकिन मैंने जब इस शख्स जोरा मॉर्मंट का दर्द देखा तब मुझे एहसास हुआ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. डड्डू की टोई पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि यार इस बंदे ने खलीसी के प्यार में खुद को खाली कर दिया. ये वो मजनू है जिसको दुनिया पत्थर भी नहीं मार सकती यार, क्योंकि खुद ही को पत्थर बना दिया. अई राजा जी इतनी मादर छितर किस्म की मोहब्बत क्यों. प्यार करते हैं हम बबून की पिट्ठी से, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. और बबून की पिट्ठी के बाद में अगर किसी चीज से मोहब्बत करता हूँ तो वो है इस बोने बंदे के डायलॉग्स यार, कमाल. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Merwin speaks, kill him. That was a threat. See the difference? Bon rami, Raja ji. Bains, chor, bon rami. Aur mamta is bandi pe aake end ho jati hai, yaar. Ye dunia ki ammiyon ko kya pata wo dard dil. Jab ek maa ko majbooran apne haathon se apne dragon bachche qaid karna pade. Hoi, 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 hoi. Kuch bhi ho, lekin yaar, cute to bahut hai, yaar. अब बात करते हैं उन लोगों की जिनसे नफरत करना कुल कायनात के इंसानों का बुनियादी फर्ज है. एक तो ये किंग जस्टिन बीबर और दूसरा ये इतना इब्लीस किस्म का हॉबिट मैंने जिंदगी में नहीं देखा. कोई इतना टॉर्चर पसंद कैसे हो सकता है कि किसी बेगुनाह को मर्दानगी से महरूम कर दे. और तीसरा ये अंडररेटेड हरामदा बच्चा जिसने जॉन स्नो को मार दिया था. ओए टिड्डे हरामदे,
What? तेरी पैन दा फलूदा मर जा कुत्ते मर मर मर। अब करते हैं ऐसे शॉकिंग ऐसे दुखी इवेंट्स की बातें कि बंदा कितना भी सख्त आदमी हो रो पड़े, बिग शो भी अपने आंसू तक रोक न सके। ये कमीना शोहरत और तख्त का भूखा शख्स स्टैनिस बराथियन अपनी सगी बेटी को जिंदा जला देता है ताकि लॉर्ड ऑफ द लाइट कुर्बानी कबूल करे और उसे तख्त और ताज मिल जाए। Why do you do this? शाहरुख भाई इस नीच हरकत के बारे में आप कुछ बोलें? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला अल्लाह भी अपनी बेटी को नहीं देता। ओह यार आप तो बदतमीज ही हो गए। एक ऐसी शादी रेड वेडिंग जिसमें मोतीचूर के लड्डुओं की लालच देके पूरे स्टार्क खानदान को खत्म किया जाता है। सीजन के ऑथर ने डड्डू की टोई की कसम खाई है कि पहले मैं करेक्टर से प्यार करवाऊंगा लोगों को, फिर उनकी मरवाऊंगा, मतलब कि उन करेक्टर्स को फिर मैं मरवाऊंगा। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखते और उनको लगता है कि उनका नफ्स काबू में है और वो गंदे सीन्स को आगे कर सकते हैं, तो यार देखो एक नई एक्साइटमेंट पालो जिंदगी में। और जो लोग देखते हैं और जल्दी से जाके अपने फेसबुक पे स्टेटस के स्पॉइलर डाल देते हैं, उनके लिए तहे दिल से, मेरे तहे दिल से गालियां निकलती हैं। ये हरकत ना किया करो ना, ये गुनाह है, ये शरारत कबूल नहीं है। अच्छा तो फ्रेंड्स एंड फैंस अब जाके ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।